नमस्कार, मैं ललित। 72 मिनट और 300 करोड़ मौत। एटमी जंग के मुहाने पर क्या दुनिया जा चुकी है? पुतिन को उकसावा क्या विनाश को बुलावे की तरह है? और भारत से दुनिया को उम्मीद है क्यों? आज इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा, क्योंकि ऐसा लगता है मानो विनाश के मुहाने पर खड़ा हुआ है विश्व। ऐसी बर्बादी जिसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती। पहले समझिए कि अगर पुतिन की फिर गई सटक गई, जिसे आप बोलते हैं, तो क्या क्या हो सकता है। कुछ रिपोर्ट और जून से बदले पुतिन के सूर्य दावा कर रहे हैं कि रूस ने नेटो के 32 देशों को एटमी जंग की आखिरी धमकी दे दी है। यूक्रेन के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, जिसमें ब्रह्मास्त्र होंगे परमाणु हथियार। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर 72 मिनट भी परमाणु जंग चल गई तो 5000 से ज्यादा परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। और न्यूक्लियर वॉर के जानकार कहते हैं, तो ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है तो पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। रूस का पहला शिकार होगा अमेरिका, फिर बारी आएगी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का राख होना तय है। атомной электростанции, Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают прислать, сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным. Вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. रूस की तैयारी आपको हैरान कर देगी। पहले चरण में ही उसने किंजल और इस्कंदर मिसाइलों से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जो परमाणु युद्ध में सक्षम है, परमाणु टेक्निकल वॉर में सक्षम है, टेक्टिकल वॉर में सक्षम है। दक्षिणी सैन्य जिले में परमाणु जंग की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि अब वो दावा दुनिया में दहशत पैदा कर रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में सिर्फ 72 मिनट की परमाणु जंग बहुत बहुत भारी पड़ेगी। कई रिपोर्ट रूस के लिए जासूसी करने वाले जो जर्मन सैन्य अधिकारी, उनके हवाले से ये दावा कर रही हैं कि रूस की परमाणु हमले की पूरी तैयारी है और पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को विनाश की हरी झंडी दिखा सकते हैं। आशंका का गणित कुछ ऐसा है कि युद्ध में 72 मिनट के अंदर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक के हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि इन धमाकों में 300 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। Наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. रूस से सटे पोलैंड के अंदर की खुफिया हलचल कह रही है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन की आड़ में रूस को बर्बाद करने के लिए आर पार के मूड में आ सकते हैं। और 72 मिनट में धरती राख कैसे होगी, उसे भी समझ लीजिए। रूस की मिसाइल 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी, जो 16 लाख लोगों की बलि ले लेगी, 30 लाख घायल हो जाएंगे। 25 से 50वें मिनट में पूरी धरती पर परमाणु युद्ध एक तरह से फैल जाएगा। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस को और यूएस ब्रिटेन चीन पर हमला करेंगे। चीन के पलटवार के साथ साथ रूस का जो दोस्त है नॉर्थ कोरिया, वो भी यूएस और यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 72वें मिनट तक महाविनाश हो चुका होगा। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक तो यहां तक कहती है कि 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत तो होगी, विनाश का चक्र 100 साल तक चलता रहेगा। हैरानी की बात तो यह है कि पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूक्रेन की जो एटमी साजिश है वो पुतिन को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही है। कुर्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यूक्रेन की हरकत ने पुतिन को परमाणु पंगा लेने का खुला मौका दे दिया है। लेकिन थोड़ा इतिहास में चलिए, जब बार बार पुतिन ने कहा कि उसके अस्तित्व पर हमला वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी साल जून में व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस में भेज दी गई है। धमकी तो रूस बहुत पहले से दे रहा है, लेकिन जमीन पर तैनाती का ये पहला ठोस एक्शन था। बेलारूस में तैनाती का मतलब है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के पोलैंड और लिथुआनिया भी पूरे टारगेट पर होंगे। ऐसे मिसाइल और लड़ाकू विमान हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हथियारों से हमले कर सकते हैं। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा सिर्फ रूस से नहीं है। पुतिन की धमकियों के अलावा चीन की
की परमाणु हथियारों के उत्पादन की भूख चिंता पैदा करती है। खास बात, ज्यादातर जगह हथियार नियंत्रण की जो संधियां हैं उनकी या तो लिमिट खत्म हो गई है, नए समझौते नए टीटी हो नहीं पा रहे हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। कुछ टैक्टिकल परमाणु हथियार उस बम जितने शक्तिशाली हैं जिसका इस्तेमाल हिरोशिमा में किया गया था। निकोलाई सोकोव से बातचीत के हवाले से ब्रिटेन के एक बड़ा मीडिया ग्रुप का यह दावा है कि चिंता पूरी दुनिया को है। निकोलाई जो है वो रूस के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बारीक तरीके से जानते हैं। वो ये मानते हैं कि हथियारों की तैनाती से यूक्रेन से ज्यादा खतरा नेटो देशों को है। सोकोव के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को रूस में एक प्रॉक्सी वॉर की तरह देखा जा रहा है, वहां इसे नेटो के खिलाफ लड़ाई माना जाता है। निकोलाई फिलहाल परमाणु संघर्ष से इनकार करते हैं, लेकिन पश्चिमी देश रूस की धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। जानकार यह भी अंदेशा जताते हैं कि रूस संघर्ष को इस कदर बढ़ा देना चाहता है कि परमाणु संघर्ष का खतरा पैदा हो जाए और नेटो इससे डरकर पीछे हट जाए। इसे वो नाम देते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। एक और खास बात, दूसरे महायुद्ध के बाद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए उनकी अब मियाद खत्म हो चुकी है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, नए समझौते हो नहीं रहे हैं। इन सब के बीच खास बात यह है कि उस समय सिर्फ दो महाशक्तियां थी। द्विपक्षीय समझौतों के जरिए संघर्ष को काबू में रखा जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अब चीन भी एक महाशक्ति है। दुनिया तीन ध्रुवों वाली हो गई है। इस वजह से नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। संघर्ष बढ़ने की संभावनाएं व्यापक होती चली गई। मिसाल के तौर पर यूरोप की सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी एशिया में यही स्थिति ताइवान और चीन के बीच है। 1964 में ही परमाणु शक्ति बन चुके चीन की भूख बढ़ते जा रही है। और अब आखिरी पहलू जो बताता है कि दुनिया परमाणु हथियारों के ढेर पर खड़ी है। पूरी दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के पास 2020 तक 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर पुतिन का दिमाग फिरता है तो दुनिया का नाश तय है। इस रिपोर्ट में इतना ही। क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या आपकी समीक्षा है, आलोचना है, उसका भी बहुत स्वागत। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।